व्हाट्सएप पर इस साल कई नए अपडेट्स आ चुके हैं। इसमें आईफोन में दिया गया पॉपुलर बायोमेट्रिक अनलॉक और ग्रुप के लिए कुछ फीचर्स शामिल है। कंपनी किसी भी अपडेट को जारी करने से पहले इनकी टेस्टिंग बीटा वर्जन में करती है। ऐसे ही कई नए फीचर्स और भी व्हाट्सएप में दिए जाने वाले हैं, उन्हें बीटा टेस्टिंग में देखा गया है। इनकी जानकारी हम आपको यहाँ देने जा रहे हैं। आप चाहें तो इन फीचर्स की टेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बीटा टेस्टर बनना होगा। बीटा में इस्तेमाल होने वाले ऐप की दिक्कत ये होती है कि वो काफी बार क्रैश या हैंग हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं फीचर्स। फॉरवर्डिंग इन्फो एंड फ्रीक्वेंटली फॉरवर्डेड को कंपनी फेक न्यूज से निपटाने के लिए रोल आउट कर सकती है। फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन फीचर से यूजर्स को पता चलेगा कि किसी मैसेज को कितनी बार फॉरवर्ड किया गया है। वहीं फ्रीक्वेंटली फॉरवर्डेड फीचर के जरिए अगर कोई मैसेज 4 बार से ज्यादा फॉरवर्ड किया गया हो तो उसे फ्रीक्वेंटली फॉरवर्डेड मार्क किया जाएगा। व्हाट्सएप प्रोडक्ट कैटलॉग्स। व्हाट्सएप प्रोडक्ट कैटलॉग्स छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बनाया गया है। इसके जरिए वो अपने प्रोडक्ट्स सीधे व्हाट्सएप पर शोकेस कर सकते हैं। ये कारोबारियों के प्रोडक्ट्स कैटलॉग को उनके व्हाट्सएप प्रोफाइल पर दिखाएगा और ग्राहक इन्हें सीधा देख पाएंगे। स्टिकर्स नोटिफिकेशन प्रीव्यू। स्टिकर्स नोटिफिकेशन प्रीव्यू की मदद से किसी वेब लिंक को क्लिक करने के बाद ऐप को छोड़कर दूसरे ब्राउजर को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट्सएप बीटा के एंड्रॉइड वर्जन 2.19.74 में इनऐप ब्राउजर मौजूद है। इनऐप ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री को व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं एक्सेस कर पाएंगे। डार्क मोड। डार्क मोड की मदद से ऐप को डार्क कलर टोन में यूज किया जा सकेगा, जो आंखों के लिए आरामदायक होता है। इस मोड में आइकॉन और हेडिंग व्हाट्सएप के सिग्नेचर ग्रीन कलर में हाईलाइटेड रहेंगे, वहीं टेक्स्ट व्हाइट कलर में विजिबल रहेगा। तो अब देखना होगा कि व्हाट्सएप में ये नए फीचर्स कब तक आते हैं।